तो गाइस वैसे तो इंस्टाग्राम पर लाखों लोग रील्स वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन उनमें से सभी की रील्स वीडियो वायरल नहीं होती है। यानी अगर देखा जाए तो भाई काफी सारे बंदे तो ऐसे हैं जो अपने अकाउंट पर 100 या फिर 200 या फिर उससे भी ज्यादा रील्स वीडियो अपलोड कर देते हैं, लेकिन उनके अकाउंट पर एक भी रील्स वीडियो वायरल नहीं होती है। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए इंस्टाग्राम पर काफी सारे क्रिएटर ऐसे होते हैं या फिर काफी सारे बंदे ऐसे होते हैं जो अपने अकाउंट पर पहली या फिर दूसरी ही रील्स वीडियो को वायरल कर लेते हैं, एंड उसके बाद वो जैसे जैसे रील्स वीडियो को अपलोड करते जाते हैं उनकी रील्स वीडियो वायरल होती जाती है एंड उनका इंस्टाग्राम अकाउंट अच्छा खासा ग्रो हो जाता है। यानी वो इंस्टाग्राम पर 50 या फिर 100 ही रील्स को अपलोड करते हैं एंड उनके अकाउंट पर लाखों में फॉलोअर्स हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर आप मेरे इस वाले अकाउंट को देख सकते हो, इस अकाउंट पर अभी 150 रील्स वीडियो भी अपलोड नहीं की गई है एंड इस अकाउंट पर आप फॉलोअर्स चेक कर सकते हो भाई 122,000 फॉलोअर्स हो गए हैं, ठीक है। एंड भाई इस अकाउंट पर सभी रील्स वीडियो वायरल होती है, यानी जो भी मैं रील्स वीडियो अपलोड करता हूं या तो वो लाखों में जाती है फिर मिलियंस में जाती है। काफी सारी रील्स वीडियो तो ऐसी है भाई जो करोड़ों में भी गई हुई है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस रील्स वीडियो पर 12 मिलियन व्यूज है, फिर उसके बाद यहां पर 3 मिलियन व्यूज है एंड यहां पर आप नीचे की तरफ आओगे यहां पर 29 मिलियन व्यूज है, यानी कि 2,90,00,000 से ज्यादा व्यूज है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर मैं इस अकाउंट पर जितनी भी रील्स वीडियो अपलोड करता हूं सभी रील्स वीडियो वायरल होती है। एंड भाई सिर्फ हमारा ये अकाउंट नहीं है, और भी अकाउंट है जो कि अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं एंड आपने इंस्टाग्राम पर इस तरह के और भी काफी सारे अकाउंट को देखा होगा जो इंस्टाग्राम पर पहली या फिर दूसरी ही रील्स वीडियो को अपलोड करते हैं एंड उनकी पहली या फिर दूसरी ही रील्स वीडियो वायरल हो जाती है एंड उनका अकाउंट अच्छा खासा ग्रो करने लग जाता है। और गाइस ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि इंस्टाग्राम पर ग्रो कैसे करना है एंड इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम उनको पता होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कैसे काम करता है एंड कैसे आप इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम का फायदा उठाकर अपने रील्स वीडियो को वायरल करा सकते हो। गाइस कुल मिलाकर इस वीडियो में मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से 5 ऐसी ट्रिक बताऊंगा, अगर आप अपने अकाउंट पर अप्लाई करते हो फिर रील्स वीडियो अपलोड करते समय अगर आप उनको ध्यान में रखते हो तो आपकी रील्स वीडियो वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो गाइस सबसे पहला इंस्टाग्राम एल्गोरिथम। जी हां गाइस अभी के टाइम में इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अगर आप लोग उसको समझ के रील्स वीडियो अपलोड नहीं करते हो फिर उसको नहीं समझते हो तो भाई आप रील्स वीडियो को वायरल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो गाइस इंस्टाग्राम का न्यू एल्गोरिथम समझाने के लिए यहां पर मैं किसी भी रील्स वीडियो पर क्लिक करता हूं। फॉर एग्जांपल इस रील्स वीडियो पर 12 मिलियन व्यूज है एंड यहां पर हम थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं एंड यहां पर मैं आपको इसकी इनसाइड पर लेकर चलता हूं, ठीक है। इनसाइड पे हमने क्लिक कर दिया। अब गाइस सबसे पहले यहां पर आप इस रील्स वीडियो को व्यू चेक करिए, 1,20,00,000 से ज्यादा व्यूज है एंड यहां पर लाइक कितने हैं 2,17,000 से ज्यादा लाइक है एंड यहां पर शेयर कितने बंदों ने किया है 3,36,000 से ज्यादा लोगों ने इसको शेयर किया है एंड यहां पर सेव कितने बंदों ने किया है 1,30,000 से ज्यादा लोगों ने इसको सेव किया है, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं कि इंस्टाग्राम ने इस रील्स वीडियो को 1,20,00,000 लोगों के पास कैसे भेजा, ऐसे इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम अभी के टाइम में काम कर रहा है। तो गाइस देखिए अभी के टाइम में इंस्टाग्राम ज्यादा से ज्यादा उस रील्स वीडियो को वायरल करता है जिस रील्स वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा शेयर आते हैं या फिर जिसको लोग ज्यादा सेव करते हैं, ठीक है। लोग आपकी रील्स वीडियो को शेयर कैसे करेंगे एंड सेव कैसे करेंगे, तो गाइस देखिए आपको जो है ना इंस्टाग्राम पर कुछ इस तरह का कंटेंट बनाना है जिसको लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। भाई आप में से काफी सारे बंदे ऐसे होंगे जो ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई आपका एजुकेशनल कंटेंट है इसलिए लोग इसको ज्यादा शेयर करते हैं, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर जो है ना हर रील्स वीडियो को शेयर किया जाता है। जैसे कि अगर कोई दोस्ती की रील्स वीडियो है तो उसको मतलब लोग दबा के शेयर करते हैं अपने दोस्तों के पास, ठीक है। आपने काफी सारी रील्स वीडियो भी देखी होगी जो लव वाली होती है एंड उसको लोग अपनी गर्लफ्रेंड के पास शेयर करते हैं, काफी सारी भाई वाली भी देखी होगी उसको लोग अपने भाई के पास सेंड करते हैं। कुल मिलाकर इंस्टाग्राम पर हर तरह का कंटेंट शेयर किया जाता है एंड हर तरह की रील्स वीडियो वायरल होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर टैग वाली फिर एजुकेशनल कंटेंट है तो मतलब वही वायरल होगा, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। गाइस देखिए अगर आपको इंस्टाग्राम पर ग्रो करना है तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, वरना आप इंस्टाग्राम पर ग्रो नहीं कर पाओगे। भाई देखो आप जो भी रील्स वीडियो अपलोड करोगे आपको मतलब कुछ उसमें ऐसा करना है जिससे लोग उसको भी शेयर करें, ठीक है, यानी उसको भी स्टोरी पर लगाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई हमारा तो मतलब कंटेंट ऐसा है ही नहीं कि लोग उसको शेयर करेंगे। गाइस अगर आप चाहो तो आप भी अपनी रील्स वीडियो को ऐसा बना सकते हो कि लोग उसको शेयर करेंगे। अब वो कैसे, आप जब भी रील्स वीडियो बनाने के लिए जाते हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने आप से ये पूछना है कि आखिर लोग इसको किस लिए शेयर करेंगे, ठीक है। अगर वो दोस्ती वाले तो लोग उसको अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, अगर वो भाई वाले तो लोग उसको भाई के पास शेयर करेंगे, ऐसे करके मतलब सिस्टर वाले तो सिस्टर के पास शेयर करेंगे। कुल मिलाकर आपको अपने आप से चीज जरूर पूछनी है कि आखिर लोग इसको किस लिए शेयर करेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ इसको लोग इसको शेयर कर देंगे या फिर मैं भी उनकी जगह होता तो मैं भी इसको अपने दोस्त के पास शेयर करता है फिर अपने भाई के पास शेयर करता, तो कुल मिलाकर आप इस तरह से पता लगा सकते हो कि लोग इसको शेयर करेंगे या नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको शेयरेबल एंड सेवेबल कंटेंट बनाना है तभी आपकी रील्स वीडियो वायरल होगी। एंड साथ ही यहाँ पर आपको ऐसी रील्स वीडियो बनानी है जिससे लोग आपकी रील्स वीडियो पर शुरू के 3-4 सेकंड रुक जाए। अगर वो शुरू के 3-4 सेकंड रुक गए तो फिर उसके बाद आप रील्स वीडियो को पूरा देख लेंगे, अगर पूरा भी नहीं देखेंगे तो कम से कम वो आधा तो देख ही लेंगे, ठीक है। यानी कि 50% उस पर एंगेजमेंट आ जाएगा एंड उसके बाद 100% आपकी रील्स वीडियो वायरल हो जाएगी। लेकिन काफी सारे बंदे करते हैं कि वो स्टार्टिंग में कुछ इस तरह की रील्स वीडियो बना देते हैं जिससे लोग उनकी रील्स वीडियो पर रुकते नहीं, भाई ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देते हैं। इंस्टाग्राम को लगता है कि इस रील्स वीडियो में दम नहीं है एंड आपकी रील्स वीडियो को इंस्टाग्राम टेक डाउन कर देता है एंड जो आपके व्यूज होते हैं वो खत्म, यानी कि व्यूज आना बंद हो जाते हैं। गाइस इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कैसे काम करता है ये चीज तो आप सुनेंगे। यहां पर बात करते हैं सेकंड ट्रिक की, यानी कि ट्रेंडिंग ऑडियो की। भाई काफी सारे बंदे आपको ऐसा बोलते हैं कि ट्रेंडिंग ऑडियो का यूज करो अपने रील्स वीडियो में आपकी रील्स वीडियो वायरल हो जाएगी, लेकिन काफी सारे बंदों की फिर भी रील्स वीडियो वायरल नहीं होती है। अब वो क्यों नहीं होती, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं इसको बैक कर देता हूं। गाइस यहां पर मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तरह के ट्रेंडिंग ऑडियो का यूज करना है या फिर किस ट्रेंडिंग ऑडियो पर आपकी रील्स वीडियो वायरल होगी। फॉर एग्जांपल यहां पर ट्रेंडिंग ऑडियो है, ठीक है। आपको पता है कि भाई जिस भी ऑडियो पर यहां पर तीर का निशान आपको नजर आता है, यानी कि जिस पर भी आपको एरो शो करता है, वो ऑडियो ट्रेंडिंग में होता है। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं इस ऑडियो पर क्लिक करते हैं एंड ये ऑडियो अभी देख सकते हो यहां पर ट्रेंडिंग लिखा हुआ है एंड यहां पर जो है ना इस पर सिर्फ और सिर्फ
197 रील्स वीडियो बनी हुई है, ठीक है। एंड यहाँ पर बात करें यहाँ पर कितने रील्स वीडियो पर वायरल है, आपको मतलब ये चीज चेक करने की इस ऑडियो पर कितने रील्स वीडियो अभी के टाइम में वायरल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस ऑडियो पर अभी एक ही रील्स वीडियो वायरल है, यानी कि इस बंदे की खुद की ही रील्स वीडियो वायरल है, ठीक है। एंड यहाँ पर और जितनी भी रील्स वीडियो है कोई भी वायरल नहीं है, ठीक है। आपको भाई ऐसी ऑडियो पर बिल्कुल भी रील्स वीडियो नहीं बनानी है, ठीक है। आपको मतलब सिर्फ ट्रेंडिंग नहीं देखना, आपको मतलब ये चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम सेकंड रील्स वीडियो को प्ले करते हैं, ठीक है। ये भी ट्रेंडिंग ऑडियो है, इस पर क्लिक करते हैं। एंड यहाँ पर आप देखते हो यहाँ पर जो है ना इस पर 481,000 रील्स वीडियो बन चुकी है, ठीक है। मैटर नहीं करता कितने रील्स वीडियो बनी हुई है, ठीक है। आपको चेक ये करना है कि इस ऑडियो पर कम फॉलोअर्स वाले जो अकाउंट है उनकी भी रील्स वीडियो वायरल हो रही है या नहीं, ठीक है। आपको मतलब वो कैसे पता करना है, फॉर एग्जाम्पल इस पर जो है सभी पे मिलियन से व्यूज है, ठीक है। हम इसी पे क्लिक कर लेते हैं। एंड यहाँ पर ये अकाउंट है, इस पर क्लिक करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो भाई इस अकाउंट पर सिर्फ और सिर्फ 10,000 फॉलोअर है एंड इसकी रील्स वीडियो वायरल है उस ऑडियो पर। यानी कुल मिला के अगर इस पर हम रील्स वीडियो बनाते हैं इस ट्रेंडिंग ऑडियो का यूज करके, तो काफी ज्यादा चांस है हमारे रील्स वीडियो वायरल होने के। अब आप में से काफी सारे बंदे ऐसे भी सोचते हैं जो खुद की आवाज में वीडियो बनाते होंगे, ठीक है। अब वो सोच रहे होंगे भाई हम तो मतलब खुद की आवाज में वीडियो बनाते हैं, हम मतलब कैसे ट्रेंडिंग ऑडियो का यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं उन लोगों को बता दूं आपको करना क्या, सिंपली यहाँ पर आपको यूज ऑडियो पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर गैलरी से आपको अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं प्लस आइकन पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर मैं कोई भी एक रील्स वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं यही वीडियो लेता हूँ, ठीक है। मैंने वीडियो ले लिया। अब आपको करना क्या भाई, यहाँ पर आपको सिंपली म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको कंट्रोल पर क्लिक करना है। कंट्रोल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या, यहाँ पर जो इसकी कैमरा ऑडियो है यहाँ पर इसको फुल कर देना है एंड जो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक है यानी कि जो ट्रेंडिंग ऑडियो है उसका यहाँ पर आपको साउंड मतलब बहुत ही कम कर देना है, यानी कि 3-4 यहाँ पर पॉइंट रखना है या फिर यहाँ पर आप मतलब 5% भी कर दोगे तो यहाँ पर सही रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप 2 भी कर दोगे तो चल जाएगा, ठीक है। यानी कि इंस्टाग्राम का जो ऑडियो है उसकी आवाज नहीं आएगी, जो ट्रेंडिंग ऑडियो होगा सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज आएगी एंड साथ ही जो आपकी रील्स वीडियो होगी वो ट्रेंडिंग ऑडियो पर अपलोड हो जाएगी, जिससे आपकी रील्स वीडियो के वायरल होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रेंडिंग ऑडियो का यूज कर सकते हो। बट यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आपको हमेशा उस ऑडियो पर चेक कर लेना है कि इस ऑडियो पर उन बंदों की रील्स वीडियो वायरल है या नहीं, मतलब जिनके कम फॉलोअर्स है, ठीक है। मतलब की चीज इतना मैटर नहीं करती कि ऑडियो ट्रेंडिंग में है या नहीं, ठीक है। चाहे वो ऑडियो ट्रेंडिंग में हो या ना हो, आपको उस ऑडियो पर क्लिक करके यही चेक करना है कि इस रील्स वीडियो पर क्या मतलब जिनके कम फॉलोअर्स है उनकी रील्स वीडियो वायरल हो रही है या नहीं, ठीक है। क्योंकि आपके कम फॉलोअर्स होंगे, आपको मतलब कम फॉलोअर्स पर रील्स वीडियो को वायरल करना है, ठीक है। जिनके ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं भाई उनकी तो वायरल हो ही जाती है, ठीक है। तो आपको हमेशा चीज का ध्यान रखना है, ये चीज भी आप सुनिए। अब गाइस यहां पर बात करते हैं थर्ड ट्रिक की। भाई काफी सारे बंदे मिस्टेक करते हैं, वो करते क्या है कि वो अपनी रील्स वीडियो को हाई क्वालिटी में अपलोड नहीं करते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे भाई हाई क्वालिटी में कैसे अपलोड होती है, तो गाइस देखिए काफी सारे बंदे अक्सर करके मिस्टेक करते हैं। वो करते क्या है कि यहां पर सिंपली किसी भी ऑडियो पे क्लिक करेंगे एंड डायरेक्टली यूज ऑडियो पे क्लिक करके जो इंस्टाग्राम का कैमरा होता है ना भाई उसी को यूज करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि उनकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, यानी कि इंस्टाग्राम पर जो रील्स वीडियो अपलोड होती है ना मतलब बहुत ही लो क्वालिटी की वीडियो अपलोड होती है, ठीक है। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन हो या फिर आईफोन हो, ठीक है, उतनी अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनती नहीं जो इंस्टाग्राम का कैमरा होता है। लेकिन अगर आप इसको अपने खुद का जो फोन का कैमरा होता है या फिर ओपन कैमरा जो ऐप है अगर आप उस रील्स वीडियो को शूट करके रील्स वीडियो को अपलोड करते हो भाई, उससे काफी ज्यादा चांस रहते हैं आपकी रील्स वीडियो वायरल होने के, ठीक है। साथ ही अगर आप एडिटिंग करते हो, ठीक है भाई, कैपकट हो गया, वीएन हो गया, अगर आप इन ऐप से एडिटिंग करोगे, थोड़े बहुत इफेक्ट वगैरह लगा दोगे, साथ ही यहां पर आप मतलब थोड़े बहुत एडिटिंग कर दोगे, तो भाई 100% आपकी रील्स वीडियो वायरल हो जाएगी। लेकिन काफी सारे बंदे ये चीज करते नहीं है, उनको क्या है कि मतलब वो ज्यादा मतलब कुछ करना नहीं चाहते, ठीक है, मेहनत करना ही नहीं चाहते थोड़ी सी भी। भाई कुल मिला के काफी सारे बंदों की रील्स वीडियो इसलिए भी वायरल नहीं होती है क्योंकि वो जो है ना डायरेक्टली इंस्टाग्राम से रील्स वीडियो को शूट करते हैं, ठीक है। साथ ही फिल्टर का भी यूज करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको फिल्टर का यूज नहीं करना है, आप फिल्टर का यूज करिए, मगर आप किसी एडिटिंग ऐप के थ्रू मतलब फिल्टर का यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको इंस्टाग्राम के थ्रू फिल्टर नहीं लगाना है, यानी कि इंस्टाग्राम के फिल्टर का यूज नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो भाई आपकी जो वीडियो क्वालिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ऐसे में इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम होता है उस रील्स वीडियो को मतलब पकड़ ही नहीं पाता है, फिर आप बोल सकते हो इंस्टाग्राम के जो एल्गोरिथम है उस रील्स वीडियो को बूस्ट नहीं करता है, ठीक है। और भाई जिस वीडियो में क्वालिटी नहीं होती है वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके दोस्तों या फिर आपके परिवार तक ही सीमित रहती है, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप रील्स वीडियो को शूट करो हो सके भाई थोड़ी बहुत आपकी मेहनत लगेगी, ठीक है। आप ओपन कैमरे से मतलब वीडियो को शूट कर सकते हो, फिर आप खुद का जो फोन का कैमरा है उससे रील्स वीडियो को शूट करिए, बाद में आप ऑडियो मैच कर सकते हो, थोड़ी बहुत आपको दिक्कत होगी, ठीक है। साथ ही आपको फिल्टर वगैरह लगाना है तो भाई आप वीएन ऐप से लगा सकते हो एंड वीएन या फिर आप किसी भी ऐप में एडिटिंग करते हो तो आपको जो है ना उसमें वाली सेटिंग रखनी है, ठीक है। एक्सपोर्ट करते समय यानी कि यहाँ पर आपको 1080p में एक्सपोर्ट करना है वीडियो को एंड उसके बाद आपको अपलोड करना है। अगर आप ऐसा करते हो भाई काफी ज्यादा चांस है आपकी रील्स वीडियो वायरल होने के, ठीक है। एंड जैसा कि इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बोला था कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो अपनी पहली या फिर दूसरी ही रील्स वीडियो को वायरल कर लेते हैं, ठीक है। अब वो जो बंदे होते हैं ना मतलब कि वो जो है ना भाई खुद के कैमरे से रील्स वीडियो को शूट करते हैं, यानी कि इंस्टाग्राम के कैमरे का बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, यानी कि थोड़ी बहुत एडिटिंग भी करते हैं जिससे उनकी पहली या फिर दूसरी ही रील्स वीडियो वायरल हो जाती है। तो आपको ये ट्रिक भी अप्लाई करनी है। अगर यहां पर बात करते हैं फोर्थ ट्रिक की, तो कहीं देखिए होता क्या है कि जैसे आप रील्स वीडियो को अपलोड कर देते हो तो इंस्टाग्राम क्या करता है कि आपके उस रील्स वीडियो को आपके फॉलोअर्स तक पहुंचाता है, ठीक है। अगर आपके फॉलोअर उस टाइम एक्टिव नहीं होते हैं तो इंस्टाग्राम को लगता है कि इस रील्स वीडियो में दम नहीं है, इंस्टाग्राम उसके व्यूज डाउन कर देता है एंड उसको मतलब बाकी लोगों के पास नहीं पहुंचाता, ठीक है।
यानी कि जो नॉन फॉलोअर होते हैं उन तक नहीं पहुंचाता है, ठीक है। एंड आप लोग ऐसे में गलती ये करते हो कि तुरंत ही आप उसको स्टोरी पर भी लगा देते हो, साथ ही आप उसको बरोड का चैनल में भी शेयर कर देते हो, ठीक है। बरोड का चैनल में मतलब शेयर कर देते हो, उससे मतलब दिक्कत नहीं है, जितना स्टोरी पर लगाने से दिक्कत होता है, ठीक है। गाइस देखिए, जैसे आप रील्स वीडियो को अपलोड कर देते हो, अगर उस पर अच्छा खासा रेस्पॉन्स नहीं आता है, ठीक है, आपको लगता है कि इस पर जितने व्यूज आने चाहिए उतने व्यूज नहीं आए, ठीक है, तो आपको करना क्या है भाई, आपको 3 से 4 घंटे के बाद या फिर 6 घंटे के बाद आपको उस रील्स वीडियो को स्टोरी पर लगाना है, ठीक है। उससे क्या होगा, उसको दोबारा से बूस्ट मिल जाएगा, इंस्टाग्राम को लगेगा कि इस रील्स वीडियो में वाकई में दम है, एंड इंस्टाग्राम उस रील्स वीडियो का इंप्रेशन ज्यादा लोगों के पास भेजेगा, ठीक है, जिससे आपके रील्स वीडियो के वायरल होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर आपको अपने रील्स वीडियो को तुरंत ही स्टोरी पर नहीं लगाना है, ठीक है, आपको मतलब 3 से 4 घंटे के बाद लगाना है। उससे क्या होगा कि आपके रील्स वीडियो को दोबारा से बूस्ट मिल जाएगा एंड आपके रील्स वीडियो के वायरल होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड ये ट्रिक आप अपनी पुराने रील्स वीडियो पर भी लगा सकते हो भाई, काफी सारी पुराने रील्स वीडियो भी वायरल हो जाती है दोबारा से, ठीक है, जब उनको दोबारा से बूस्ट मिलता है। गाइस ये भी आप समझ गए, यहां पर बात करते हैं लास्ट ट्रिक की, ठीक है। अब गाइस वो है कि आपको मतलब सही टाइम पर रील्स वीडियो को अपलोड करना है। अब काफी सारे बंदे ये सोचते हैं कि भाई सही टाइम क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपको मतलब ये चीज खुद से पूछनी है कि लोग किस टाइम पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है, या फिर यहां पर आप इंस्टाग्राम के प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाओगे, वहां पर भी आपको शो कर जाता है कि इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा मतलब मोस्ट एक्टिव टाइम क्या है, या फिर किस टाइम सबसे ज्यादा बंदे एक्टिव रहते हैं, ठीक है। या फिर यहां पर आप एक काम भी कर सकते हो, आप जो है ना भाई 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में, यानी कि शाम के 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में अगर आप रील्स अपलोड करते हो, काफी ज्यादा चांस रहते हैं आपकी रील्स वीडियो वायरल होने के, क्योंकि उस टाइम पर सबसे ज्यादा लोग एक्टिव रहते हैं, ठीक है, जिससे आपकी रील्स वीडियो के वायरल होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड साथ ही यहां पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है भाई, अगर आपको इंस्टाग्राम पर ग्रो करना है तो भाई आपको इंस्टाग्राम पर कंसिस्टेंटली वर्क करना होगा। यहां पर आपको ऐसा नहीं करना है कि आज आपने रील्स वीडियो अपलोड कर दिया, फिर उसके बाद यहां पर आप 10 दिन तक रील्स वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हो, या फिर आप 5 दिन के बाद रील्स वीडियो अपलोड कर रहे हो, भाई आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इंस्टाग्राम को लगता है कि ये बंदा मतलब इनएक्टिव हो गया इंस्टाग्राम से, अगर आप मतलब ज्यादा गैप ले लेते हो, ठीक है, तो फिर इंस्टाग्राम क्या करता है कि उस बंदे को साइड में कर देता है, एंड जो नए नए बंदे होते हैं ना जो इंस्टाग्राम पर कंसिस्टेंटली वर्क करते हैं उनको आगे बढ़ाता है, ठीक है, एंड वो ऐसे करके अपने अकाउंट पर लाखों में फॉलोअर्स कर लेते हैं। कुल मिलाकर अगर आपको इंस्टाग्राम पर ग्रो करना है तो भाई आपको इंस्टाग्राम पर कंसिस्टेंटली वर्क करना होगा। और गाइस कंसिस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन में 5 वीडियो अपलोड कर दो या फिर आप 10 वीडियो अपलोड कर दो, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप एक दिन में या फिर 2 दिन में भी आप एक वीडियो अपलोड कर रहे हो तो वो भी बहुत है, बट यहां पर आपको ऐसा नहीं करना है कि आप 2 दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहे हो फिर उसके बाद 10 दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहे हो, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको मतलब इंस्टाग्राम की चीज दिखाने की हम हर 2 दिन के बाद वीडियो को अपलोड करते हैं, ठीक है। अगर आप मतलब 2 दिन के गैप से वीडियो को अपलोड करते हो तो आपको मतलब ऐसे ही करते चलना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको जो 5 ट्रिक बताई है, अगर आप अपने अकाउंट पर ये 5 की 5 ट्रिक अप्लाई करते हो तो 100% आप इंस्टाग्राम पर ग्रो कर सकते हो, साथ ही आपकी रील्स वीडियो वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और गाइस आपको एक काम और करना है, आपका जो भी इंस्टाग्राम अकाउंट यूजर नेम है आपको कमेंट में लिख देना है, ठीक है। मैं काफी सारे बंदों के अकाउंट चेक करता हूँ, आपका भी अकाउंट चेक करूंगा, ठीक है। एंड अगर मुझे लगेगा कि इस अकाउंट में मतलब कुछ दिक्कत है, फिर आप मतलब कुछ गलती कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नोटो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।